अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अनशरा व्लॉग्स। तो आज एक नए व्लॉग की शुरुआत हुई है। आज जो है मेहंदी फंक्शन है, तो इस हिसाब से मैंने ग्रीन आउटफिट पहना, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और हल्दी का व्लॉग मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को पता है ठंडी का टाइम है, तो भाई यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। और ये रहा मोहम्मद मूसा, भतीजा है एक्चुअली ये मेरा, और बहुत अच्छी बातें करता है, कभी मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगी इसकी बातें। और भाभी यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर रहे हैं, बाकी मेंबर घर के बाहर निकल गए हैं, अनशरा रेडी हो गए, सारे बच्चे रेडी हो गए हैं, और ये घर के कुछ मेंबर्स बाहर खड़े हुए हैं। तो मैं एक एक करके सबसे आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो इसमें दो मेरी भाभियाँ हैं और एक मेरी जो है ना हमारे जो नेबर हैं उनकी बेटी, और यहाँ पर जो है ना मेरी छोटी वाली भाभी और मेरी भतीजी, यहाँ पर सब एक दूसरे का वेट कर रहे थे। तो व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को इंशाल्लाह। इस व्लॉग में बहुत कुछ देखने मिलेगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो हम लोग थोड़ा बहुत गिफ्ट जो है लेकर जा रहे थे, वो कार में रख रहे थे। अब चलते हैं हम लोग उस गाँव की तरफ, और सबसे पहले गाँव जाने के बाद में आप लोगों को आप लोगों ने इसके पहले जो भी नाच गाना ढोल ताशा देखा ना, उसको है ना गांव में साई बधाई बोलते हैं। मींस मतलब जो फूफू लोग होती हैं, वो लोग जो भी चीज़ें लेकर आती हैं ब्राइड को गिफ्ट देने के लिए या अपने भाई भाभी के लिए, तो वो लोग उसको है ना डेकोरेट करके पूरे गांव में घुमाते हैं, लोगों के यहाँ ले जाके दिखाते हैं ढोल ताशे के साथ में। तो ये वो फंक्शन था। और ये जो आप मतलब चीज़ें देख रहे हैं, ये जो मेरी जिनकी शादी है मतलब उनके ससुराल वालों ने जो है ना गिफ्ट दिया है उनको, तो जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से देता है। तो अब यहाँ पर जो है ना मायके वाले लोग रस्म कर रहे हैं, तो चलिए आप सुनिए देखिए कितना हंसी मजाक हो रहा है। कपड़े देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, मिठाई देते हैं, पैसे देते हैं, फूल वगैरह पहनाते हैं, और है ना जिनकी हैसियत होती है वो गोल्ड देता है, चांदी देता है, सब अपने तो घर में जितने मेंबर रहते हैं सबको दिया जाता है। मतलब अगर सास ससुरे हैं तो उनको, बच्चे हैं तो उनको, जिनका अपना रहता है वो देते हैं। तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुई थी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। शादियों के यही दिन तो याद रह जाते हैं, देखिए वक्त चला जाता है पर दिन याद रह जाते हैं। तो जितनी भाभियाँ बहनें थी ना सब एक एक करके जो है ना यहाँ पर रस्म कर रही थी, तो आप देखिए फिर। और माशाल्लाह इनको दो बड़ी बहनें हैं और इनसे बड़ी तीन भाभियाँ हैं, चार मैं भूल रही हूँ शायद। तो सब ने एक एक करके जो है ना इसी तरह रस्म किया, फूल पिनाया, मिठाई खिलाई। और ये जो दुपट्टा ओढ़ाया जाता है ना, इसको बोलते हैं कि मायके की चुनरी। शादी वगैरह कुछ फंक्शन होता है ना, तो अगर माँ रहती है तो माँ लेकर आती है, अगर माँ नहीं है तो भाभियाँ अगर रहती हैं ना तो वो लेकर आती हैं।
ये चुंदरी पहनाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, जो उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से कुछ पैसे वगैरह दिया जाता है। और इस शादी के शादियां तो बीत जाती है, लेकिन इस तरह का हंसी मजाक बातचीत याद रहता है। तो यहाँ पर है ना बहुत सारा, मतलब फोटो सेशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद में जो है फिर लेन देन की डिमांड यहाँ पर चालू हो गई, तो आधा बहुत आधा हंसी भाई। मजाक हुआ। हाँ, मुकर जाओ तो पकड़े हैं ना, तब नहीं, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना मस्त हंसी मजाक होता है। हम अच्छा, बहुत से घरों के फंक्शन में मुंह फूली फूला रहता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे खुशी से सारे फंक्शन निपट जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ना, ये जो सामान आप देख रहे हैं ये इनके मायके से आया था। इनकी बड़ी भाभी, इनकी छोटी भाभी, इनकी बीच वाली भाभी, इनकी दोनों बहनें सब ने मिल के लेकर आए थे। ये सारा फ्रूट्स थे और कपड़े थे, बैंगल्स थी और फुटवेयर थे, सब क्या था। और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो सामान है ना इनकी छोटी वाली भाभी लेकर आई थी, ये उनके घर का पूरा सामान है माशाल्लाह से। और है ना बहुत अच्छा सारा सामान इन लोग बहुत अच्छा लेकर आए थे माशाल्लाह से। देखिए देना लेना तो चलता ही रहता है, लेकिन कैसे यादें याद रह जाती है ना उस हिसाब से। और अभी ये जो सामान है ये इनकी बड़ी भाभी लेकर आई थी, यानी कि मेरी बहन, मेरी जो बहन है ना मेरे फूफू के घर में शादी होके है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड कर देती हूँ, सभी लोग देख लेंगे। जो लोग शादी में शामिल है वो भी देख लेंगे, और जो बाहर सिटी रह रहे हैं, सऊदी, दुबई, मुंबई रह रहे हैं, वो लोग भी इस तरह के सारे फंक्शन जो है ना देख लेंगे, शामिल हो जाएंगे। और है ना बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो दिन ऐसे बीते कि मुझे पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा हंसी मजाक हुई। अभी है ना बड़ी भावा जो ननद लोग ने जो है ना चौक पिना दिया, अब जो है छोटी भाभी की बारी आती है, तो वो कर रही है यहाँ पर रसम। बोर बिल्कुल नहीं होना, और बहुत अच्छा लगेगा जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ते जाएगा ना, इन चीज़ों के बाद में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाली है। तो सबको एक एक करके जो है ना यहाँ पर जिस तरह बाकी लोगों ने रसम किया, ये भी यहाँ पर रसम कर रही हैं। ए अमीदा, जवाद भाई को जूता दे दो। नहीं नहीं जूता दे दो। हाँ सही बोले भाई आपने। उठा के दे दो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक करने लगी थी। जब मेरे ये बहन की शादी हुई थी ना, तो इनके हस्बैंड की मतलब जो है ना, ये मेरी बहन जो है पप्पू की बेटी सबसे छोटी थी, तो इनकी कोई बहन नहीं थी। तो वो टाइम पे मतलब छोटी बहन कोई नहीं थी, कजिन्स तो बहुत थे। तो मैंने जूता चोरी किया था, तो मेरे बहन हुई की मैं इकलौती साली हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं उनसे थोड़ा हंसी मजाक कर रही थी, वो मेरे से कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, तो मैंने भी मौका देखा और जो है ना यहाँ पर हंसी मजाक उनसे कर ली। अब वो सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर है ना दुल्हन को बिठाया गया, जो हमारी होने वाली ब्राइड है, ब्राइड टू भी हमारी है। तो ये जो आज का दिन है ना, यहाँ पर यूपी में इसको बोलते हैं कराही। तो आज के दिन है ना तेल चढ़ाया जाता है। तो जो भाभियाँ होती हैं, आई थिंक 4 या 5, मुझे याद नहीं है, मेरी शादी को तो इतना टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं है। तो भाभी लोग हैं ना यहाँ पर है ना दुल्हन को तेल चढ़ाती, और ये तेल उतरता कब है, जिस दिन निकाह रहता है ना, सुबह में जब दुल्हन नहाने जाती है ना, तो उस दिन तेल उतारा जाता है। ये पहले जब चढ़ाते हैं तो नीचे से चढ़ाते हैं, और जब उतारते हैं ना तो सर की तरफ से हाथ रख के नीचे की तरफ हाथ लेकर आते हैं। ये सारी रस्में हुई, देन उसके बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए। और आज जो है ना यहाँ पर जो खाना था नॉन मुस्लिम्स का खाना था पूरा। हाँ 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 और ये है। इनको भी नहीं भूख लगी, इनको ठंडी लग रही है, गरम गरम कचौड़ी चाहिए, गरम कचौड़ी की बाजी चाहिए। जिया, जिया, अंशिया,
गलती कर शॉल लेकर आना था। और इसके बाद में ना एकदम गर्मा गर्म यम सा फूड आ गया, और खाने में मटर पनीर थी, कचौरी थी, और वो जो आलू बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं अभी मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा है, और एक मिक्स वेज सब्ज़ी थी और पुलाव था। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बैठ गए खाना खाने के लिए, रायता था। और ये हम दोनों बहनों की जोड़ी, मेरी बड़ी भावा जो है ना वो हम लोगों को बोलती सीता गीता, हम लोग एक जैसे दिखते भी हैं, और हम दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह जमती भी बहुत है, अभी तो जम रही आगे अल्लाह को मालूम। और यहाँ पर मेरी छोटी भावज बैठी, हम लोग सब लाइन से बैठे खाना खा रहे थे अपने अपने मील को एंजॉय करते हुए। पप्पू की लड़की लोग भी बैठी हुई हैं, और मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा जो है ना कैमरा घुमा के आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। और ये शूट बाई अगेन मोहम्मद शुएब, तो उसने शूट किया, और देखिए मेरी थाली पे कैसे फोकस कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ। तो चलिए आपको थोड़ा नाच गाना दिखाती हूँ, अगर कॉपीराइट ना आए तो। यहाँ पर होता है व्लॉग ख़त्म, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दुआओं की दरख्वास्त है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।